लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा गरमा रहा है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने के बाद आज 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय यानी SCERT ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों की भी मौजूदगी रही। इनमें कुछ अभ्यर्थी अपने बच्चों को लेकर भी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एक अंक विवाद के चलते इन अभ्यर्थियों को अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का दावा है कि विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के एक सवाल में शैक्षिक परिभाषा को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने एक अंक बढ़ाकर मेरिट बनाकर चयन करने का आदेश दिया था। 9 नवंबर 2022 को आदेश जारी होने के बाद लगभग 11 महीने बीत जाने के बावजूद अंतिम आदेश का पालन नहीं किया गया है। इसी को लेकर लगातार 51 दिन से अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार की सुबह अभ्यर्थियों का सब्र टूटता नजर आया। बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ के निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद से नियुक्ति की लिखित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।